गुड आफ्टरनून सेवन्थ क्लास, वी हैव स्टार्टेड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. नाउ वी विल कंटिन्यू दिस. तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट ट्रैवलॉग्स. व्हाट आर ट्रैवलॉग्स? ट्रैवलॉग्स बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, जो ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे और वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ के बारे में जो बातें लिखते हैं तो वो जो उनकी बुक या जो भी उनके थ्रू जो लिखा हुआ अकाउंट है डैट इज़ कॉल्ड ट्रैवलॉग्स. यानी कि जो ट्रैवल्स लिखते हैं वो ट्रैवलॉग्स कहलाते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द ट्रैवलर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड वर अलब्रूनी, इबन बतूता, फ्रांसकोइस बर्नियर, मार्को पोलो, निकोलो कोंटी एक्सेट्रा. अब देखिए मेडिवल पीरियड में कौन कौन से ट्रैवलर्स थे जो कि इंडिया में आए हैं? अलब्रूनी, इबन बतूता, फ्रांसकोइस बर्नियर, मार्को पोलो एंड निकोलो कोंटी. द ट्रैवलॉग्स और इनवैल्यूएबल. इनवैल्यूएबल मीन्स होता है बेटा एक्सट्रीमली यूजफुल, यानी कि जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अकाउंट्स दे लेफ्ट बिहाइंड आर अ लार्ज ट्रेजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम. और जब ये ट्रैवलर्स इंडिया में आए तो जब ये वापस गए थे तो अपने पीछे क्या छोड़ गए? इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ गए. ट्रेजर्स मीन्स होता है बेटा खजाना, और ये खजाना किसके बारे में है? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन. किसकी कंडीशन है ये? इंडिया की. यानी कि मेडिवल पीरियड में इंडिया की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी वो हमें ये ट्रैवलॉग्स जो ये ट्रैवलर्स छोड़ गए हैं उनसे हमें पता चलती है. सम डिस्टिंग्विश. डिस्टिंग्विश मीन मतलब होता है बेटा इम्पोर्टेंट, सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेड बाई अदर पीपल. यानी कि कोई फेमस पर्सन या कोई सक्सेसफुल पर्सन, रिस्पेक्टेड, जिसको सभी रिस्पेक्ट देते हैं, मुस्लिम ट्रैवलर्स आर. यानी कि अब हम कुछ मुस्लिम ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही फेमस हुए डैट टाइम. नंबर वन है इबन बतूता ऑफ मोरक्को. यानी कि वो मोरक्को से आया था. और मोरक्को कहाँ पर है बेटा? हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड एक कंट्री है मोरक्को. हु रोट द रिहला. रिहला यानी कि जो इबन बतूता है उसने रिहला बुक लिखी है. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द जियोग्राफी ऑफ इंडिया. अब जो ये रिहला बुक है वो हमें इंफॉर्मेशन क्या देती है? वो हमें इंडिया की जियोग्राफी जो सिचुएशन है या किस तरह से इंडिया की लोकेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें रिहला देती है. अलब्रूनी हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया. अब देखिए जो अलब्रूनी ट्रैवलर था वो कहाँ से आया था? सेंट्रल एशिया से. और रोट उसने क्या लिखा है? तारीख अल हिंद. यानी कि उसकी बुक का नाम है, अलब्रूनी की बुक का नाम है तारीख अल हिंद. और उसका जो दूसरा नाम है वो किताब उल हिंद, यानी कि हिंद, यानी कि हिंदुस्तान के बारे में उसने इस किताब में लिखा है. व्हेन ही अकम्पनीड. अकम्पनीड मीन्स होता है बेटा टू गो टुगेदर विद समबडी. यानी कि किसी के साथ जाना कहीं पर. तो अब ये देखिए किसके साथ ये आया था? अलब्रूनी इंडिया में किसके साथ आया था? महमूद गजनी, जो कि एक इन्वेडर था जिसने इंडिया पर अटैक किया था. तो अलब्रूनी जो था वो महमूद गजनी के साथ इंडिया में आया था ऑन हिज कैंपेन इन नदन इंडिया. इनकी जो महमूद गजनी ने इंडिया, जो हमारा उत्तर इंडिया था, नदन इंडिया था, वहाँ पे जो उसने अटैक किए थे उस टाइम पे अलब्रूनी महमूद गजनी के साथ इंडिया में आया था. और उसने तब ये बुक लिखी तारीख अल हिंद और किताब उल हिंद. हिंद मीन्स हिंदुस्तान के बारे में उसने लिखा है. अब्दुल रज्जाक वॉज सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्सिया टू द किंगडम ऑफ विजयनगर. विजयनगर बेटा साउथ इंडिया में है आपका, लोकेटेड है. अब देखिए अब्दुल रज्जाक है वो किसने भेजा था? पर्शिया के जो राजा है उसने वो विजयनगर में भेजा था. पर्शिया यानी कि प्रेजेंट में जो ईरान है वो पर्शिया है. मैनी ट्रैवलर्स केम फ्रॉम यूरोप. और बहुत सारे जो ट्रैवलर थे वो यूरोप से आए थे. देयर राइटिंग्स एंड लेटर्स आर कंसीडर वैल्यूएबल सोर्सेज टू नो द हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल पीरियड. और इनके जो सोर्सेज हैं यानी कि जो इन ट्रैवलर्स ने लिखे हैं वो भी हमें मेडिवल पीरियड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं. सम प्रोमिनेंट वंस अमंग दैम वर. उनमें से कुछ जो फेमस हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे. प्रोमिनेंट मीन्स होता है बेटा फेमस. फर्स्ट है निकोलो कोंटी, निकोलाउ मनुसी एंड मार्को पोलो हु केम फ्रॉम इटली. ये तीनों जो ट्रैवलर्स थे वो कहाँ से आए थे? इटली से आए थे. निकोलो कोंटी, निकोलाउ मनुसी एंड मार्को पोलो. रोल्फ फिच, विलियम हॉकिंग्स एंड सर थॉमस रो हु केम फ्रॉम इंग्लैंड. रोल्फ फिच, विलियम हॉकिंग्स एंड सर थॉमस रो ये कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे इंडिया में.
बर्नियर एंड ट्रेवनियर हु केम फ्रॉम फ्रांस, ये दोनों ट्रेवलर फ्रांस से आए थे। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स होता है ट्रांसलेट समथिंग इन वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज में किसी चीज़ को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना। मैंने वर्क्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी बेटा बताया था आपको, कोई चीज़ कोई बुक लिखना अपने ही बारे में जो सेल्फ रिटन डॉक्यूमेंट्स है, डैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। रिलीजन एंड फिलोसफी वर ट्रांसलेटेड इंटू डिफरेंट लैंग्वेजेज, दीज हेल्प इन स्प्रेडिंग आउट कल्चर एंड हिस्ट्री फार एंड वाइड। अब देखिए, एक लैंग्वेज से हम दूसरी लैंग्वेज में किसी चीज़ को ट्रांसलेट करेंगे तो इट मीन्स वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा वाइड हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, बहुत दूर दूर तक उसको फैलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाबरनामा वॉज ओरिजिनली रिटन इन तुर्किश लैंग्वेज। जो बाबरनामा थी, यानी कि जो कि बाबर की लाइफ के बारे में बुक थी, वो फर्स्टली तुर्किश लैंग्वेज में रिटन थी, बट लेटर इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू पर्शियन, लेकिन बाद में उसको पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर दिया। इट मीन्स अब वो तुर्किश के अलावा जो पर्शिया के लोग हैं वो भी उसको पढ़ सकते हैं। मैनी संस्कृत स्क्रिप्चर्स लाइक द भगवद गीता एंड उपनिषद वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन टू पर्शियन। जो हमारे संस्कृत में लिखे हुए भगवद गीता और जो उपनिषद हैं उनको भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। इट मीन्स अब जो पर्शियन लोग हैं वो भी हमारे इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट द रिलीजन टेक्स्ट रामायण एंड महाभारत वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन रीजनल लैंग्वेज। और देखिए, जो रामायण और महाभारत थे वो भी संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन बाद में इनको भी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया था। रीजनल लैंग्वेज मीन्स किसी भी एरिया की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हो सकती है, उसके अंदर ट्रांसलेट करना। नाउ नेक्स्ट इज म्यूज़िक। मोस्ट ऑफ द मुगल रूलर्स वर ग्रेट लवर ऑफ म्यूज़िक। जो मुगल रूलर्स थे वो बहुत सारे म्यूज़िक के शौकीन थे। तानसेन, जो कि एक बहुत ग्रेट म्यूजिशियन हुए हैं बेटा, वॉज वन ऑफ द चीफ सिंगर इन द कोर्ट ऑफ दरबार अकबर, यानी कि अकबर के दरबार के जो तानसेन थे वो बहुत ही फेमस एक सिंगर थे। द वर्सेज एंड हिम्स यूज इन दिस पीरियड आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। हिम्स होते हैं भजन, और देखिए जो भजन थे या जो भी छंद थे जो उस टाइम के मेडिवल पीरियड के, वो एक अच्छे साधन है हमें उस टाइम के हिस्टोरिकल नॉलेज, यानी कि मेडिवल पीरियड के बारे में जानने के लिए हमारे लिए एक बहुत अच्छी वो गुड सोर्स है। नाउ रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द लाइफ स्टाइल एंड पीपल ऑफ दैट टाइम। दिस वॉज द पीरियड ऑफ द भक्ति एंड सूफी सेंट। ये मैंने आपको बताया था, भक्ति यानी कि जो हिंदू संतों ने भक्ति की है डैट इज़ कॉल्ड भक्ति मूवमेंट, और जो मुस्लिम करेंगे डैट इज़ कॉल्ड सूफी सेंट। तो इनकी वजह से भी, इनके इन्होंने जो रिलीजियस लिटरेचर लिखे हैं, तो उससे भी हमें उस मेडिवल पीरियड के लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। देयर सॉन्ग्स पोइम्स एंड दोहास रिफ्लेक्ट द सोशल पोलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ दैट पीरियड। और इन सब के जो भी लिटरेचर हैं या जो भी इन्होंने कुछ लिखा था वो हम बेटा आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इन सब के ऊपर पूरा आगे एक चैप्टर है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोहा आपको पता है कबीर जी ने लिखे थे दोहा, तो उनके जो दोहा लिखे थे या जो भी इन्होंने भजन लिखे हैं, जो भी इन्होंने पोएम्स लिखी है, वो सब हमें मेडिवल पीरियड के बारे में जो भी सोशल थी, पॉलिटिकल थी, रिलीजियस कंडीशन थी, वो सब हमें पता चलती है। दे टुक अप द कोर्स ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी कि और उन्होंने समाज में और जो धर्म में बुराइयाँ थी उनके अंदर भी सुधार किया। रिफॉर्म्स मीन्स होता है बेटा सुधार करना। दे प्रीज होता है संदेश देना। दे प्रीज द गॉस्पेल मीन्स होता है बेटा अ मैसेज एक्सपेक्टेड टू हैव पॉजिटिव इफेक्ट, यानी कि ऐसा मैसेज देना जो कि लोगों पर अच्छा प्रभाव डाले। और इन्होंने कैसा मैसेज दिया, ऑफ इक्वलिटी टू ऑल मैनकाइंड, यानी कि सभी जो मनुष्य हैं या सभी जो इंसान हैं वो सभी इक्वल हैं, मनुष्य के अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दे टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि उन्होंने सांसारिक भाईचारे का उपदेश दिया इन लोकल डायलेक्ट्स, यानी कि उनकी लोकल भाषा में, एंड रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जिस एरिया में इन्होंने ये प्रीच दिया, संदेश दिया, तो उस एरिया की पर्टिकुलर लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है। जैसे हम हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी, और अगर हम कंट्री की बात की जाएँ तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, सभी के लिए हिंदी है, लेकिन हम एरिया वाइज अपनी रीजनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं।
विच कुड बी ईजिली अंडरस्टैंड बाय द कॉमन पीपल, जो कि ईजिली सभी एक सामान्य व्यक्ति भी उस लैंग्वेज को समझ सकता था. नाउ बेटा योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड, नाउ वी विल डिस्कस बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन सर इन आवर नेक्स्ट वीडियो.